चंद्रपूर शहरातील नागरिकांच्या विरंगुळ्याचे केंद्र असलेला आझाद बगीचा सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली मागील काही महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे सौंदर्यीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण करून बगीचा नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा या मागणीसाठी चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस समितीच्या वतीने गुरुवारी सकाळी 7 वाजता बगीचाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन करण्यात आले. चंद्रपूर शहराच्या मध्यवर्ती भागात आझाद बगीचा आहे. या बगीचात शहरातील आबालवृद्ध दररोज सकाळी आणि सायंकाळी विरंगुळा म्हणून येत असतात. मात्र मागील काही महिन्यांपासून सौंदर्यीकरणाच्या नावाने बगीचा बंद आहे. त्यामुळे बगीचाचे काम तातडीने पूर्ण करून नागरिकांसाठी खुले करण्यात यावे. या बगीचातही मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात यावा या मागण्या तातडीनं मंजूर करण्यात याव्या. अन्यथा चंद्रपूर शहर जिल्हा काँग्रेस समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दरम्यान या संदर्भात रामू तिवारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया. चंद्रपूर का एकमेव आझाद बगीचा इथे 4.5 सालों से जो उसके काम की गति है 4 करोड़ रुपए का टेंडर जो हमारे कार्यकाल में हुआ था वो 6.5 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ. हमारे कार्यकाल में 10% अभावों में गया था, अभी 10% अभाव में गया. फिर भी टेंडर होने के बाद में आज 4 साल से जो काम जिस गति से चलने को ना वो गति से चल नहीं रहा. यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो हमारे महापौर है सभापति इनका कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं है. हम महानगर पालिका से निवेदन करते हैं कि उन्होंने नागरिकों का स्वास्थ्य जो चंद्रपुर शहर में एक ही बगीचा है जहाँ ज्येष्ठ नागरिक बच्चे महिलाएं सभी आते हैं उसको जल्द से जल्द शुरू करें. और सबसे प्रमुख हमारी मांग है कि जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े ऐसे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जिनके नाम से ये बगीचा है उनका भी जिस तरह बाबूपेट स्टेडियम में उन्होंने वाजपेयी जी का पुतला लगाया उसी धरती पर यहाँ भी आज़ाद बगीचे में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का पुतला लगने को ना और 11 नवंबर को उनकी जयंती है उसके पहले इस बगीचे का उद्घाटन होने को ना. नहीं तो उससे भी चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे.